वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम मेडिकल नॉलेज। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एम मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूनियन जैम टैबलेट के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूनियन जैम टैबलेट की कंप्लीट नॉलेज देंगे हम आपको। तो जैसे फ्रेंड्स इसका इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसको लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए या यह टैबलेट कब यूज़ की जाती है और कहां पर यूज़ की जाती है, तो फ्रेंड्स इसकी कंप्लीट नॉलेज देंगे फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर क्लिक करें, इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कंपनी एमआरपी और इन इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों कंपनी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है फ्रेंड्स वह इसको मैन्युफैक्चर करती है। और बात करें इसकी एमआरपी के बारे में तो 64/15 टैबलेट के एमआरपी में यह टैबलेट आपको किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। और दूसरी बात करें फ्रेंड्स इसके इंग्रेडिएंट के बारे में तो फ्रेंड्स इसमें फंगल डाइस्टेज जो एक साल्ट के रूप में डाला गया है फ्रेंड्स वह 100 mg में इसमें डाला गया है। और पेपेन जो है इसमें 60 mg में पाया जाता है। और फ्रेंड्स एक्टिवेटेड जो चारकोल है वह इसमें 75 mg में पाया जाता है। तो बात करें इसके यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स हमारे मुँह में से लेकर और पेट तक जितने एंजाइम बनते हैं फ्रेंड्स वे सब खाना डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। जब फ्रेंड्स वे एंजाइम वीक हो जाते हैं या वह बनना बंद हो जाते हैं तो फ्रेंड्स हमारे जो पेट में खाना होता है वह डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है। इसके कारण हमारे पेट में गैस, कब्ज, पेट दर्द या पेट भारी होना आदि प्रॉब्लम हो जाती है, तब इस यूनि एंजाइम टैबलेट का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। यह टैबलेट गैस, कब्ज, पेट दर्द या पेट फूलना, गैस बनना या खाना खाने के बाद में पेट भारी भारी होना, खाना ना पचना आदि प्रॉब्लम को जल्द ही ठीक कर देती है। बात करें इसकी डोज के बारे में तो फ्रेंड्स इसकी डोज बीडी, यानी कि इसकी एक नॉर्मल डोज बीडी होती है फ्रेंड्स। यह आप एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम के टाइम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और फ्रेंड्स आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपको यह TDS भी कभी कभी रिकमेंड कर सकते हैं। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे यह टैबलेट तय की गई डोज, यानी कि जो डोज इसकी नॉर्मल डोज है फ्रेंड्स, उससे अधिक टैबलेट लेने पर आपका जो फिकस है, जो मल है, उसका कलर ब्लैक हो सकता है फ्रेंड्स, या आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज प्राप्त हुई हो तो फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।